जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं कि मेरे पास MI का नोट 5 प्रो सेट आया हुआ है। इस सेट में प्रॉब्लम क्या है, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस हैंडसेट को चालू किया, सबसे पहले ये देखिए मैंने इस मोबाइल फ़ोन को चालू किया और ये MI लोगों पे खड़ा रहता है। उन्होंने बताया कि मैं मार्केट में कई जगह फ्लैश करा लिया है या कई जगह सॉफ्टवेयर के लिए दिखा दिया है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया पड़ा रहा, लेकिन उसके बावजूद नहीं ठीक हुआ। तो फाइनली मेरे पास आए, मैंने बताया कि चलो ठीक है सर, मैं देखता हूँ और जो होता है मैं आपको कमी को बताता हूँ। और आज उसी मोबाइल फ़ोन में मैं आपको पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे लगता है इस मोबाइल फ़ोन में जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, वो MMC से रिलेटेड प्रॉब्लम है या MMC संबंधित प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। इसके लिए क्या क्या सारे टूल्स चाहिए, क्या क्या ज़रूरतें चाहिए, क्या क्या सब चीज़ें एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो समझ लीजिए आप MMC प्रोग्रामिंग के मास्टर हो गए। आप MMC की कोई भी प्रॉब्लम आती है नोट 5 प्रो की, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहली बात क्या, मैं क्या काम करता हूँ कि पहले मैं भी ट्राई करता हूँ कि उसे नॉर्मली ऐसे फ्लैश करके देखता हूँ फ्लैश हो रहा है कि नहीं हो रहा। फ्लैश हो नहीं रहा है तो उसमें क्या एरर आ रहा है, हो जाएगा तो बेहतर है, हमारा फ़ोन चालू हो जाएगा, हमको क्यों MMC उतारनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मुझे फ्लैश करना है तो फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डोंगल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास UMT डोंगल है, देखेंगे ये हमने डोंगल को कनेक्ट किया। डोंगल कनेक्ट होने के बाद सर को सब चीज़ें साफ दिखाइए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। मैंने ओपन किया QC फायर, मैंने ऑलरेडी MI नोट 5 प्रो की जो फाइल है ना उसको मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है डेस्कटॉप में। सॉफ्टवेयर है, थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है, वेट करिए। और कोई भी काम करने से पहले या रिपेयरिंग करने से पहले आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जितना जल्दबाजी करेंगे वो नुकसान करेगा, फ़ायदा कुछ नहीं करेगा। जैसे मैंने देखेंगे इसके फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया था ये, और डाउनलोड करने पर एक्सट्रैक्ट किया है तो ये फ़ाइल हमारी खुल के आ गई है। ये देखिए ये हमारी नोट 5 प्रो की फ़ाइल पड़ी हुई है। हमने क्या किया, इसको बंद किया। फाइल लोड कैसे करेंगे, आप फ्लैशर में जाएंगे, फ्लैशर में जाने के बाद आप प्रोग्राम में जाएंगे। प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पर जाकर के प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। वो प्रोग्राम कहाँ पर पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप के अंदर पड़ा हुआ है। डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, इस फाइल के अंदर आप इमेज के अंदर जाएंगे, इमेज के अंदर प्रोग्राम 0 को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर जाएंगे पैच 0 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर फ़ोन को फ्लैश करेंगे। लेकिन फ्लैश करने से पहले हमें फ़ोन को कनेक्ट कराना पड़ेगा दोस्तों। फ़ोन को कनेक्ट कैसे कराएंगे, अभी इस समय पर जैसा कोरोना का माहौल चल रहा है तो सब जगह पर बंदी है, स्ट्रीट भी बंद है और सारे बच्चों की क्लासेस जो हैं उनको घर भेज दिया गया, अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं उनकी क्लास चालू है, वो ऑनलाइन क्लास अपना ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के साथ साथ फिर वो जब सारा माहौल सही हो जाएगा तो अपना ऑफलाइन भी आ करके सीख सकते हैं, ताकि फिर इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपके समय की बचत हो जाएगी। देखिए हम मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात हमने बैटरी लगाया, ये दोनों EDL पॉइंट है, इनको क्या करना है, इसे शॉर्ट कराना है और डाटा केबल को क्या करना है, इंसर्ट करना है। अगर आप देखेंगे मैं पहली बात आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया कि हमने दोनों पॉइंट को ऐसे टच कराया, दोनों पॉइंट को टच कराने के बाद हमने क्या किया, ऐसे लगाया। जैसे लगाएंगे तो वहाँ पर, अगर सर को दिखाइए, जैसे फ़ोन को लगाएंगे तो अगर गौर से देखेंगे तो वहाँ पर आपका फ़ोन पोर्ट बनाएगा। ये देखिए आपका पोर्ट बनाता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आपका पोर्ट बना लिया। पोर्ट बनाने के बाद फिर मैंने फ़ाइल को लोड भी कर लिया है। फ़ाइल को लोड करने के बाद देखिए हमारी दोनों फाइलें लोड हैं। दोनों फाइल लोड होने के बाद हमने क्या किया, फ्लैश पर क्लिक किया। जैसे फ्लैश पर क्लिक किया देखिए हमारी फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। ये सारा आ गया कि क्वालकॉम CPU का फ़ोन है, कनेक्ट है, फ्लैशिंग चालू है। फाइल इसमें लोड हो रही है। अब देखिए इसमें मैसेज क्या आता है, ये देखिए इसमें फेल्ड का एरर आ गया। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें ये फेल्ड का एरर आ रहा है, ये देखिए
ये नीचे रीसेट फेल्ड लिख कर के आ रहा है, लिख के आ रहा है। ये फेल्ड लिख के आने का मतलब ये है कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं एमएमसी की है। अब एमएमसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले एमएमसी या इसी को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। जो भी सारे स्टूडेंट हैं वो अपना कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स सीख सकते हैं, और घर बैठे ही समय पर अगर आप फ्री हैं तो अपने समय का यूज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ पैसों में उस कोर्स को सीख सकते हैं। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप एक कोई टेक्निकली हुनर आपके हाथ में आ जाएगा, एक काम सीख जाएंगे और उसकी वजह से आप मार्केट में आगे चल करके आप ग्रोथ कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस बोर्ड को बाहर निकाल दिया। ये बोर्ड बाहर निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसकी देखिए ये एमएमसी आईसी है। एमएमसी आईसी को पहली बात तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर लिखा हुआ क्वालिकॉम, क्या लिखा हुआ है क्वालिकॉम। यहाँ पर क्वालिकॉम लिखा होने का मतलब क्या है कि ये क्वालिकॉम लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ गौर से, ये क्वालिकॉम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये सीपीयू आईसी है, इसके अंदर ये लगी हुई है, इसे हम बोलते हैं एमएमसी आईसी। अब हम क्या करेंगे, इस आईसी को उतारेंगे कैसे और प्रॉपर कैसे इसको निकाल के लगाएंगे और कैसे रिवॉल्व करेंगे, कैसे प्रोग्राम करेंगे, एक एक करके पूरा स्टेप सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। अब देखिए आईसी को उतारने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास पेस्ट है, हमने क्या करना है, पेस्ट लेना है। पेस्ट के जितनी भी आईसी की सारी पिनें होती हैं, सारी पिनों पे पेस्ट को आपको क्या कर देना है, ऐसे लगा देना है। फिर हम लोग पेस्ट लगाने के बाद फिर हम लोग हॉट गन मशीन लेंगे। आयरन को हमने लगा दिया, देखो हॉट गन मशीन लेंगे। ये हॉट गन मशीन जो होती है 857DW+ मशीन है। इस मशीन के द्वारा जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को आईसी वगैरह आप अच्छा काम कर सकते हैं, सिर्फ प्लास्टिक का पार्ट जलता नहीं है। हमने क्या किया, मशीन को ऑन किया। ऑन करने के बाद आपको जिसका टेम्परेचर रखना है 380 के आसपास टेम्परेचर को रख लेना है, आप देखेंगे। उसके बाद एयर आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से रख लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, इस आईसी को उतारेंगे। इस आईसी को उतारने के लिए आपको क्या करेंगे, हॉट गन लेंगे। हॉट गन से इसके चारों तरफ से क्या करना है, हीट करना है। देखिए हम क्या करेंगे, इस आईसी को उतार रहे हैं। देखिए आईसी को आप ऐसे पहले प्रॉपर तरीके से गर्म हो जाने दीजिए, आपको खींचना नहीं है। अगर खींच देंगे तो इसके प्रिंट बेकार हो जाएंगे, बोर्ड बेकार हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान रखें। जो सारे न्यू लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, आईसी को फट से उतार देते हैं, खींच खांच के बाहर रख देते हैं, तोड़ देते हैं सारे पिनों को। जैसे आपकी आईसी फ्री हो जाएगी आराम से निकल आएगी। इसमें आपको जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये आईसी को मैंने उतार लिया है। अगर आप देखेंगे सारी बॉलें प्रॉपर तरीके से निकल के आ गई हैं। देखिए आईसी की जितनी सारी पिनें हैं, सारी पिनें प्रॉपर तरीके से बाहर आ गई हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए
ये हमारी आईसी उतर के बाहर आ गई है। हम लोग क्या करेंगे, इस आईसी को अब उतारने के बाद अब इसे दोबारा से रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद प्रॉपर बोर्ड में फिर से लगाएंगे, और लगाने से पहले हम उसे प्रोग्राम करेंगे। देखिए अब मैं आपको ये सारी चीज़ें आईसी को रिवॉल्विंग और प्रोग्रामिंग ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि आयरन लेंगे, आयरन से आईसी की जितनी भी सारी पिन्स होती हैं सारी पिन को साफ़ कर लेंगे। रेती देना सर, रेती दे दीजिए, रेती। देखिए हम लोग क्या करेंगे, आईसी की जितनी भी सारी पिन है सारी पिनों को क्या करेंगे, साफ करेंगे। हमने जितनी भी आईसी की पिन है सारी पिन को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद उसको क्या करेंगे, प्रॉपर क्लीन करेंगे। इसके लिए हम लोग पेट्रोल है, क्लीनर है, कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आईसी को हमने क्या करना है, पूरा साफ़ कर लिया। देखिए अब आपको आईसी दिख रही है, ये आपको आईसी प्रॉपर साफ़ हो गई, क्लीन हो गई है। क्लीन होने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोग इसको रिवॉल्व करेंगे। इसे साफ़ करने के बाद अब आपको मैं क्या काम करता हूँ, साथ साथ इसके बोर्ड को भी साफ़ कर लेता हूँ। बोर्ड को साफ़ करने के लिए आपने क्या करना है, फिर से इसकी सारी पिनों पर पेस्ट लगा दीजिए। पेस्ट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आयरन लेंगे, और आयरन से इसकी जितनी सारी बोल्ट हैं सारी बोलों को ऐसे हल्के हल्के अंदर साफ करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इस पर आपको आयरन को रगड़ना नहीं है। अगर आयरन रगड़ देंगे तो अंदर की पिनें या तो मिल जाएंगी या तो पिनें शॉर्ट हो जाएंगी। आपको हल्के हल्के हाथ से, बस आपको आयरन को टच करना है। हमने क्या किया, आईसी को प्रॉपर तरीके से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब उसकी जो बॉल्स होती हैं उनको भी पेट्रोल या क्लीनर से हम क्या करेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे।
देखिए सारी बॉल हमारी साफ हो गई प्रॉपर तरीके से। हॉटगन मशीन का इस्तेमाल करेंगे आप। इस पर क्या करिए, हल्का सा पेस्ट लगा दीजिए। पेस्ट लगाने पर हॉटगन मशीन से आप इसे गर्म कर दीजिए। आपका तो गर्म करने से होगा क्या, गर्म करने से ये होगा कि जैसे आप इसे हीट करेंगे, पेस्ट से हीट करेंगे, तो इसकी जो बॉल होती है साफ़ करने में अगर एक आध बॉल इधर उधर टेढ़ी हो जाती हैं तो वो बिल्कुल गोल होकर के बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, ताकि जब हमारी आईसी बैठेगी तो प्रॉपर बैठ जाएगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। या डिसोल्डिंग वायर आता है, आप डिसोल्डिंग वायर का भी यूज कर सकते हैं, डिसोल्डिंग वायर से भी प्रॉपर साफ़ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे सारी पिनें इसकी प्रॉपर साफ़ हो गई, सारी पिनें साफ़ हो गई, सारी पिनें बराबर भी दिख रही हैं, चमकदार हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको निकाल करके बाहर रख दिया। अब हमें क्या करना है, आईसी को रिबॉल करना है। इस आईसी को रिबॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेंसिल का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास देखेंगे तो ये स्टेंसिल है, इस स्टेंसिल में आईसी हमारी सेट हो जाएगी और रिबॉल हो जाएगी। कैसे रिबॉल हो जाएगी, क्या तरीका होगा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत इजी तरीका है, कितना आसान तरीके से आप इसको आईसी को रिबॉल कर लेंगे। सबसे पहले आईसी को साफ़ कर लीजिए, आईसी की जो स्टेंसिल है उसको भी साफ़ कर लीजिए, ताकि उसमें पेस्ट, कार्बन, कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आईसी को साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद आप आईसी को अब रिबॉल करेंगे। सबसे पहली बात आप आईसी को इसमें सेट करिए कि देखिए इसकी सारी पिनें प्रॉपर सेट हो रही कि नहीं सेट हो रही। जो आईसी के नंबर होती है वही सेट होगी, दूसरी आईसी नहीं सेट हो सकती। आप इसको सेट करिए, ये सेट हो गई, ये पिनें देखिए आपको दिख रही होंगी। अब ये सेट होने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसको सेट करने के बाद आईसी में पीपीडी का इस्तेमाल करेंगे। पीपीडी पेस्ट द्वारा आईसी को दोबारा से रिबॉल किया जाएगा। पीपीडी पेस्ट कहाँ गया, पीपीडी पेस्ट को आप ऐसे ही कपड़े में रख करके आप उसे ड्राई कर लीजिए, ताकि अगर ये ढीला रहेगा तो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वो फैल जाएगा। अब फैलने वाली चीज़ तो सभी नुकसान ही करती है। अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। देखिए आईसी को प्रॉपर सेट कर लेंगे। प्रॉपर सेट करने के बाद देखिए मैं आपको माइक्रोस्कोप से, हम क्या करेंगे इसको माइक्रोस्कोप दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे गौर से,
ये देखिए सारी पिनें सेट हो गई, सारी दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इस पे पीपीडी का इस्तेमाल करेंगे। ये पीपीडी लेंगे और इस पे पीपीडी लगाएंगे। जितनी सारी बॉल्स हैं सारी बॉलों पे आप पीपीडी को ऐसे अच्छे से भर लेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से आप पीपीडी लगा लेंगे सारी बॉलों पे भर जाना चाहिए। एक भी बॉल मिस नहीं होना चाहिए, एक भी बॉल छूटना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए, ये बहुत लोग ध्यान रखें। अगर आपके एक भी बॉल में पीपीडी प्रॉपर नहीं भर पाएगा तो वो बॉल रह जाएगी, मोटी पतली हो जाएगी, छूट जाएगी। पीपीडी को सब तरह से बिल्कुल बराबर फिल कर लेना है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता, हल्का हल्का बॉलों में फिल करना है। जब हम इसमें पीपीडी भर लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, कपड़े से इसको प्रॉपर साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद फिर टेढ़ी चिमटी से आपको क्या करेंगे, इसको प्रेस करना है ऐसे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, बहुत ज़्यादा हल्की भी हाथों से भी नहीं। फिर आपको क्या करना है, हॉटगन से इसे हीट देना है। सारी बॉलों को हीट करने के बाद फिर आपको पेट्रोल की सहायता से इसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है इसी को। ये देखिए आपकी आईसी भी रिबॉल हो गई है। अब देखिए मैं आपको गौर से दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ कि हमारी आईसी किस तरीके से बन गई है प्रॉपर। देखिए इसकी सारी बॉलें बन चुकी हैं। बिल्कुल प्रॉपर बॉल बन गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरीके से रिबॉल करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, ये पूरा आगे का स्टेप देखेंगे। देखिए जो बॉलें इस तरह बन जाती है ना, तो हम लोग क्या काम करेंगे, आयरन के द्वारा उनको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि वो बॉलें हमारी कोई काम की नहीं है, कोई यूज की नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन बॉलों को हटा देंगे। तो जैसे मैंने इस आईसी को क्या कर लिया कि रिबॉल कर लिया प्रॉपर और सारी बन गई फर्स्ट क्लास। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रोग्राम कैसे करेंगे, प्रोग्राम करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यू फाई बॉक्स लेना है।
और U5 बॉक्स को हमें क्या करना है, सिस्टम से कनेक्ट करना है। ये लीजिए, मैंने सिस्टम से बॉक्स को क्या किया, कनेक्ट कर लिया। सिस्टम में कनेक्ट करने के बाद हमने इसे ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद सबसे पहले हमें ओपन करना है U5 का MMC टूल। U5 MMC टूल, इसे हमने क्या कर लिया, ऐसे ओपन कर लिया। ये आपका U5 का MMC टूल ओपन हो गया, ठीक है। टूल्स ओपन होने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको IC को लगाना है। हमने क्या किया, U5 के लिए हमने अडेप्टर लिया, ये U5 अडेप्टर है। हमने इसे ऑन खोला, उसके बाद IC को क्या करना है, इसमें लगा देना है ऐसे। ये आपकी IC इसमें सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद फिर से हमने इसको ऐसे लगाया, इसको U5 में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद, U5 कनेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, आइडेंटिफाई MMC किया। ये देखिए, इसमें ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद जैसे आइडेंटिफाई MMC किया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 10% डिवाइस यूज अर्जेंट, 90% कंज्यूम रिजर्व ब्लॉक लिख करके आ रहा है। आप गौर से देखेंगे 90% कंज्यूम रिजर्व ब्लॉक लिख करके आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ गौर से, ये देखिए। अब इसकी क्या करेंगे, हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे। हम लोग जाएंगे हेल्थ रिपोर्ट में, MMC का हेल्थ देखा, MMC कैसा है। देखिए MMC पे यहाँ पर लिख के आ रहा 90% कंज्यूम। ये अब इसे कैसे ठीक करेंगे, इसे ठीक करने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहली बात है आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसका बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप लेने के बाद इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के बाद फिर इसके डाटा को दोबारा से लोड करना पड़ेगा, जो फाइल है उसको दोबारा लोड करना पड़ेगा, तब हमारी MMC प्रोग्राम होगी। कैसे प्रोग्राम होंगे, उसका क्या तरीका रहेगा, मैं आपको सब चीज़ें टोटल एक स्टेप बाई। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए आपको क्या किया, आइडेंटिफाई MMC कर लिया। ये देखिए, आपको आइडेंटिटी MMC कर लिया। आइडेंटिटी MMC करने के बाद हमें क्या करना है, इसका बैकअप लेना है। आपको इसमें ऑटो में जाना है और आपको इसका 512, क्योंकि 64 GB की MMC लगी ना, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसका 512 MB तक का बैकअप ले लेंगे। ये देखिए 512 MB का हमने बैकअप ले लिया। बैकअप लेने के बाद आपको क्या कर देना है, रीड कर लेना है। ये देखिए रीड कर लिया, ये आपकी फ़ाइल रीडिंग चालू हो जाएगी। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फाइलों को रीड कर रहा है, देखिए 1.58 MBPS पर सेकेंड के हिसाब से फाइल को रीड कर रहा है। और 512 MB डाटा हमने को रीड किया है, तो वो रीड कर रहा है 512 MB डाटा को। जैसे डाटा हमारा रीड हो जाएगा, तो हम उस डाटा को बैकअप लेकर के डेस्कटॉप में सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप में सेव करने के बाद उस डाटा को प्रॉपर तरीके से फिर से इसमें लोड करेंगे। कैसे लोड करेंगे, वो सारा चीज़ हम एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे। ये देखिए हमारा डाटा बैकअप हो चुका है। अब डाटा बैकअप होने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इस डाटा बैकअप को देखेंगे। ये देखिए हमारा पूरा डाटा बैकअप हो गया है।
आप चाहो तो इस डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये डाटा हमारा कहाँ पर है, Xiaomi Redmi Note 4, ये पूरा हमारा डाटा कॉपी हो गया है। डाटा को आपको क्या करिए, कंट्रोल ए करिए। कंट्रोल ए करने के बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। कट करने के बाद आप इसको मिनिमाइज़ करिए और इस डाटा को आप सेव कर लीजिए। क्या सेव कर लीजिए कि चलिए मैं डाटा को एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, नोट फाइव प्रो, इस नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया डेस्कटॉप में। और इसके अंदर डाटा को हमने क्या कर दिया, पूरे डाटा को हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ये डाटा हमारा टोटल डाटा हमारा ये इसके अंदर आ गया। चलिए अब आपने जब डाटा का आपने बैकअप ले लिया 512 MB का, अब आपको क्या करना है, फिर यूजर डाटा में जाना है। यूजर डाटा के बाद आपको आइडेंटिफाई MMC करना है। अब आप देखेंगे ये आपके जितने भी सारे हैं ना, ये सारे पार्टीशन दिखा रहे हैं। आप क्या काम करिए कि हो सकता है IMEI नंबर वगैरह चला जाए, या फ्लैश करने के बाद आपका फ़ोन में दिक्कत आए कि मतलब IMEI नंबर नल दिखाए तो आपका नेटवर्क नहीं आएंगे, तो उस कंडीशन पर आप क्या करिए, इसकी जो सिक्योरिटी फाइलें ना उन सबको बैकअप ले लीजिए। आपका जो सिक्योरिटी फाइलें कौन सी होती है, तो आप गौर से देखेंगे जितनी भी सारी ये पिंक फाइलें दिख रही ना, ये पिंक कलर की, अगर आप देखेंगे तो पिंक कलर का दिख रहा है। मैं इसको और नीचे आता हूँ, ये देखिए मॉडम 1 हो गई, मॉडम 2 हो गई, ये जितने भी आपको पिंक कलर की फाइलें दिख रही हैं ये सारी सिक्योरिटी फाइलें हैं। जो भी पिंक कलर की हैं वो सारी सिक्योरिटी फाइलें हैं। आप क्या करिए, जितनी भी सारी सिक्योरिटी फाइलें हैं सारी सिक्योरिटी फाइल को बैकअप ले लीजिए, ताकि अगर इनकेस अगर आपका IMEI नंबर जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको बैकअप ले लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आप देखिए आप क्या करिए, मैंने सारा बैकअप ले लिया है। मैं आपको एक बार पूरा फाइलों को चेक भी करा देता हूँ कि देखिए पिंक कलर की मैंने बैकअप ले लिया। आप गौर से देख लीजिए कि जितनी भी सारी पिंक कलर की फाइलें हैं, सारी पिंक कलर की फाइलों में टिक है कि नहीं टिक है, देखिए ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बैकअप ले लिया। बैकअप लेने के बाद आप क्या करेंगे, बैकअप को करना क्या भैया, रीड तो करो बैकअप को, तभी तो बैकअप सेव होगा जा करके। ये लीजिए आपने रीड कर दिया, रीड करने के बाद ये अपना UEFI बॉक्स अपना रीडिंग चालू कर देगा। देखिए ये क्या कर रहा है, बैकअप ले रहा है, मतलब जितनी भी सारी सिक्योरिटी फाइलें हैं वो सारी सिक्योरिटी फाइल का बैकअप ले रहा है। आप इसको बैकअप को रख लेंगे, बैकअप से रखने से ये फ़ायदा होगा, मान लो अगर इनकेस अगर आपका IMEI नंबर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को आप इनसे हल कर सकते हैं। अगर वो प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं आपको इसी से हल करके दिखाऊंगा, और नहीं प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आज आप लोग सारे UEFI प्रोग्रामिंग का पूरा कंप्लीट टॉपिक सीखने वाले हैं किसी चालू मोबाइल फ़ोन पे। आप देखते हैं ये मोबाइल फ़ोन चालू होता है कि नहीं चालू होता, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात हम जो सीखने वाले हैं स्टेप सीख रहे हैं कि आप करेंगे कैसे। कोई मोबाइल फ़ोन चालू हो या ना चालू हो वो बात मायने नहीं रखता, मायने इस बात का रखता है ट्रेनिंग के पार्ट में कि आपको स्टेप सही पता होना चाहिए। अगर आप स्टेप सही से फॉलो नहीं करेंगे तो समझ लीजिए तो फिर आपका फ़ोन तो ठीक ही नहीं होगा ना। जब आप तरीका ही गलत कर रहे हैं तो फ़ोन क्या ठीक होगा। ये रीडिंग देखिए चालू है, मैं वीडियो थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ, अगर वीडियो स्टॉप नहीं करूँगा तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप देखेंगे इसका बैकअप हो चुका है। अब बैकअप होने पर बैकअप को मैंने स्टोर करके रख भी लिया है, और हम लोग क्या काम करेंगे, चलो इसका भी बैकअप को देख लेते हैं कि ये बैकअप हमारा कहाँ पर है, कहाँ पर सेट हुआ है, इस बैकअप को भी टोटल हम देख लेते हैं।
ये बैकअप आपकी सारी फाइलें हैं, ये सारी फाइलों का बैकअप आ चुका है। ये बैकअप कहाँ पर है आप इस बैकअप को भी सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ए किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, डेस्कटॉप में गए, फिर हमने एक फ़ोल्डर बनाया। फोल्डर बनाने के बाद इसका नाम रखा, मान लिया नोट 5.2, मतलब दूसरा बैकअप है। अब आपने क्या कर लिया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं, मैं आपको इसलिए आसानी से तब सारी चीज़ें मिल जाएं इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना आप इसका पाथ नोट कर लीजिए कि बैकअप कहाँ पर गया हुआ है, तो आप वहीं पर जा कर के बैकअप को डायरेक्टली चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात की नहीं है, ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने इसको बैकअप को ऐसे रख लिया है। अब देखिए हमको क्या करना है, MMC को कैसे पार्टीशन करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, आप बात क्या करेंगे, आप प्रोग्राम में जाएंगे। प्रोग्राम में जाने के बाद आप क्या करेंगे, MMC को क्या करेंगे, इरेज करेंगे। क्या करेंगे, इरेज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इरेज का ऑप्शन आता है, आप MMC को क्या करेंगे, इरेज करेंगे। यस, आप इरेज करना चाहते हैं, हाँ भैया हम करना चाहते हैं, ये लीजिए पूरी MMC आपकी खाली हो गई, ठीक है, डन। आपने इरेज करने के बाद आपको क्या करना है, MMC फैक्ट्री इरेज कर लेना, ये भी कर लेना एक बार। इससे क्या होगा, MMC आपकी पूरी खाली हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी, ठीक है, आपकी MMC पूरी खाली हो गई। पूरा खाली होने के बाद आपको क्या करना है, अब इसमें आपको पार्टीशन बनाना है। पार्टीशन बनाने के लिए आपको सिर्फ MMC में जाना है। MMC जाने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी सारे पार्टीशन हैं सारी पार्टीशन को एक एक करके क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये देखिए सारे पार्टीशन सिलेक्ट हो गए। सारे पार्टीशन सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, राइट पार्टीशन सेटिंग करना है। यस, देखिए हमारे पार्टीशन सारे बन गए हैं, राइट पार्टीशन सेटिंग, सारे पार्टीशन बन गए। सारे पार्टीशन बनने के बाद फिर आपको प्रोग्रामिंग में आना है। प्रोग्रामिंग में आने के बाद आपके MMC के फॉर्मेट भी हो गए, इरेज भी हो गया, जो बैकअप था वो भी हमने ले लिया। बैकअप लेने के बाद अब आपको क्या करना है, उस बैकअप को दोबारा इसके अंदर लोड करना है। कैसे बैकअप लोड करेंगे, बैकअप लोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। ये देखो ऑलरेडी पूछ रहा है कि जो हमारा बैकअप है वो ऑलरेडी दिखाएगा कहाँ पर है। अब ये बैकअप पूछ रहा है आपने बैकअप को कहाँ रखा है, मैंने डेस्कटॉप के अंदर रखा है। डेस्कटॉप के अंदर कहाँ रखा है, नोट 5 प्रो जो फोल्डर था उसके अंदर मैंने रखा हुआ है, वहाँ पर भी दिखा रहा था, यहाँ पर भी दिखा रहा है, मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने फोल्डर के अंदर बैकअप रखा था, जैसे मैंने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने EXD को सिलेक्ट कर रखा है, EXD CD, तो यहाँ पर देखेंगे EXD CD लिखा हुआ है, तो आप इसे ले लीजिए, ये फाइल आपकी लोड हो गई। फिर आपको यूजर वाले में जाएंगे तो आपको यूजर एरिया को ले लेना है। फिर आप Boot 1 में जाएंगे तो Boot 1 देखिए ये लिखा हुआ, इसको ले लीजिए। फिर आप Boot 2 में जाएंगे, आप Boot 2 में जाने के बाद क्या करिए, Boot 2 को ले लीजिए। सारी फाइलें लोड हो गई हैं। सारी फाइलें लोड होने के बाद आपको क्या करना है, बूट नॉलेज में इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, राइट कर देना है। क्या कर देना भैया, राइट कर देना। जैसे आप राइट पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आपकी देखिए राइटिंग चालू हो जाएगी। ये देखिए हमारे सिस्टम में राइटिंग चालू है। ये देखिए ये हमारी फाइल क्या हो गई, राइट हो गई इसमें। और राइट होने के बाद आप फिर अब आप क्या करेंगे, फिर आइडेंटिफाई MMC करेंगे। और आइडेंटिफाई MMC करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको फ्लैश करना है। क्या करना है भैया, फ्लैश करना है। फ्लैश करने के लिए आपको फैक्ट्री इमेज में जाएंगे। आप चाहो तो IC को लगा करके वहाँ से फ्लैश कर सकते हो, या लगे लगे यहीं फ्लैश कर सकते हो। मैं इसको यहीं पर फ्लैश कर देता हूँ।
सबसे पहली बात क्या, ये वेंडर कौन सा है, इसके अंदर क्वालीकॉम सीपीयू लगा तो क्वालीकॉम को ले लीजिए। अभी आपको पूछेगा फाइल, सबसे पहले प्रोग्राम फाइल को लीजिए। मैंने इसका फाइल डाउनलोड करके कहाँ पर रखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहीं पर एक फाइल पड़ी होगी, ये वेयर इज ग्लोबल। इस फाइल में हम लोग गए, फाइल जाने के बाद फाइल को हमें क्या करना है, इसमें लोड करना है, इमेज पे क्लिक किया। इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें रॉ जीरो लेना है, प्रोग्राम जीरो को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। प्रोग्राम जीरो को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, पैच लेना है, फिर आपको इसका पैच सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पैच देखेंगे तो इसमें पी पे क्लिक करेंगे, पी पे क्लिक करेंगे तो कहीं पैच जीरो आ जाएगा, ये देखिए। तो आप पैच जीरो सिलेक्ट करेंगे, पैच जीरो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या कर देना, राइट कर देना है। क्या कर देना भैया, राइट कर देना है। जैसे देखेंगे ये आपका राइट का ऑप्शन आता है, राइट कर देंगे। अब आपकी देखिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। ये हमारे मोबाइल फ़ोन की फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई, हमारी आईसी की फ्लैशिंग चालू हो गई। आप चाहो तो लगा के भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहीं से कर सकते हैं, मैंने यहीं कर दिया लगे लगे। तो आप लोग देखेंगे जैसे इसकी फ्लैशिंग पूरी कंप्लीट होने वाली है और अभी फाइनल में चल रहा है, फ्लैशिंग पूरा हो जाएगा, आपका आईसी पूरा प्रोग्राम भी हो गया, आईसी में पार्टीशन भी बन गए। पार्टीशन बनने के बाद अब उसमें सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी और आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग सीखने के लिए आप कांटेक्ट करें ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर, ये सागर मार्केट में पड़ता है, जो सागर मार्केट पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट है मोबाइल फ़ोन की, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है लैपटॉप से रिपेयरिंग संबंधित आपको चिप लेवल का पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल बेसिक फ़ोन से लेकर स्मार्टफोन तक का, आईसी लेवल तक का पूरा कंप्लीट काम आपको सिखाया जाता है, चाहे प्रोग्रामिंग से संबंधित हो, चाहे सॉफ्टवेयर संबंधित हो, चाहे हार्डवेयर संबंधित हो, या OCA रिपेयरिंग हो, ऐसा कोई भी काम हो वो सारा काम स्टेप बाय स्टेप करके सीखते हैं। तो ये हमारी आईसी पूरा भी कंप्लीट होने वाली है, मात्र एक मिनट का समय और लगेगा, एक मिनट समय के अंदर आपकी आईसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा फ़ोन आपका चालू होने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमको क्या काम करना पड़ेगा, आईसी को सही से बोर्ड में लगाना पड़ेगा। जब तक हम आईसी को बोर्ड में सही से लगाएंगे नहीं तब तक भी हमारा काम नहीं होने वाला दोस्तों। तो हमें क्या करना है, आईसी को बोर्ड में सही से लगाना है। आईसी को बोर्ड में सही से लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास जो स्टूडेंट सीखने वाले आते हैं कम से कम 8-8, 10-10 दिन प्रैक्टिस करते हैं आईसी पे, कि आईसी को उतारते हैं, लगाते हैं, चालू मोबाइल फ़ोन में आईसीयों को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप काम करने के लिए तैयार होंगे। देखिए डन, आपकी आईसी क्या हो गई, प्रोग्राम हो गई, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी लोड हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा आइडेंटिफाई MMC करेंगे, ये देखिए सारी डिटेल्स आ गई, प्रोग्राम भी लोड हो गया, सारी बातें भी हो गई, डिटेल भी खुल के आ गई। प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यूजर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पार्टीशन भी दिखा रहा है, प्रोग्राम भी हो गए। अब चलिए हम एक बार क्या काम करते हैं, इसकी हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। ये देखिए हेल्थ रिपोर्ट, अब डिवाइस लाइफ टाइम नॉर्मल हो गई। ये देखिए अगर आप देखेंगे पहले यहाँ पर 90% कंज्यूम लिख कर गया था, अब नॉर्मल हो गई, मतलब हमारी आईसी सही हो गई, काम करने के लिए रेडी हो गई। आप क्या करते हैं, देखिए सारी डिटेल आ रही है, आप देखिए। अब मैं आपको क्या काम करता हूँ, इस आईसी को UEFI से अलग करता हूँ। ये मैंने UEFI से आईसी को क्या किया, अलग किया। अलग करने के बाद आईसी को निकाला, अब बारी आती रिजल्ट की। हम लोग क्या करेंगे, आईसी को बोर्ड में लगाएंगे। ये बोर्ड लिया, अब बोर्ड में आईसी को सेट करेंगे,
साफ़ कर लिया प्रॉपर अच्छे से, मैंने पहले क्लीन कर लिया था, हमको सिर्फ आईसी को सेट करना है। सेट करने के लिए आईसी लगाने वाला पेस्ट आता है, इसे आप यूज करेंगे। आईसी लगाने वाला पेस्ट आता है, आप क्या करिए पेस्ट को हल्का हल्का पहले नीचे लगा दीजिए। हॉट गन मशीन लेंगे, गरम कर दीजिए। आप इसमें पेस्ट थोड़ा सा हल्का हल्का लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, आईसी को सेट करना है। आईसी सेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आईसी के चारों तरफ अगर गौर से देखेंगे, इधर से दिखाइए सर को, अगर इस आईसी में गौर से देखेंगे तो इस आईसी में देखेंगे लाइन बनी हुई है। आपको क्या करना है, मतलब बॉर्डर बना हुआ है, आपको आईसी क्या करना है इसी बॉर्डर में सेट करना है। अब देखिए कैसे सेट करेंगे, आईसी को बिल्कुल बॉर्डर में चारों तरफ सेट करेंगे। माइक्रोस्कोप से देख लेंगे कि हमारी सारी जो चारों तरफ की पिनें हैं वो बिल्कुल बराबर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। अगर पिनें बराबर ना दिखें तो आप आईसी को प्रॉपर ना लगाएं, वरना आपकी आईसी काम नहीं करेगी। आपने जितना इतना मेहनत किया वो सारा आपका वेस्टेज हो जाएगा। ये देखिए हमने देख लिया, हमारी आईसी प्रॉपर सेट हो गई है, सारी पिंस बिल्कुल बराबर दिख रही हैं, चारों तरफ से कहीं से टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं जा रही है। अब आपको क्या करना, हॉट गन मशीन से इसको बिठाना है। हॉट गन मशीन लिया, एयर बिल्कुल कम कर लेना है, हीटिंग आपको वही रखना है 380। मशीन को क्या करना है, ऐसे चारों तरफ से इसको हीट करते रहना है। मशीन को रोकना नहीं है, मशीन को ऐसे घुमाते रहना है चारों तरफ से। आप देखेंगे हल्का सा पेस्ट से धुआं निकलने लगेगा नीचे से। अब आपको क्या करना है, फिर से हल्का सा पेस्ट लेना है, हल्का सा प्रेशर भी बढ़ा लेना थोड़ा सा, फिर आईसी को थोड़ा सा सेक करना है, मतलब आईसी को हल्का सा हिलाना है। अगर आप गौर से हल्का सा हिलाएंगे देखना, हल्का सा मूवमेंट होगा, बहुत बारीक सा। देखिए
आईसी क्या काम करने लगती है, अपनी बॉल पे तैरने लगती है, क्योंकि नीचे की रांगा पिघल जाता है, ऊपर का रांगा पिघल जाता है तो पानी फॉर्म में होता है, तो आईसी क्या करने लगती है, तैरने लगती है। तो हल्का सा आईसी को क्या कर लेते हैं हम लोग, सेक कर लेते हैं, हिला करके देख कर लेते हैं। फिर आप एक मिनट तक का वेट करेंगे समथिंग, ताकि आपके आईसी प्रॉपर ठंडी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने चिमटी लगा दिया, टच कर दिया, उसकी पिने डिस्टर्ब हो गई, पता चला आपने इतना सारा काम किया, सारा काम बेकार गया। ठंडा हो जाएगा, आप ठंडा होने का वेट करेंगे। वेट करने के बाद फिर आप पेट्रोल लेंगे, पेट्रोल से उसे क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से हल्का सा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद फिर से आप ऑर्गन मशीन लेंगे। अब आपको क्या कर लेना है, सिर्फ इतना गर्म करना है कि पेट्रोल सूख जाए बस। आपको ऐसे गर्म कर लेना है, इससे क्या होगा आपका जो पेट्रोल आपने जो क्लीनर से साफ़ किया था वो आपका पूरा सूख गया। अगर आप देखेंगे आईसी बिल्कुल आपकी प्रॉपर लग जानी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नज़र नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई मशीन से चेक करेंगे, और नई डीसी सप्लाई मशीन है, आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग तो नहीं हुई है, आप उसे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर देना, मल्टीमीटर से हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग क्या करेंगे कि बोर्ड में कोई शॉर्टिंग तो नहीं हुई है, ताकि हम जब बैटरी लगाएं सप्लाई दें तो ऐसा नहीं कि फट से कहीं से धुआं निकले, कोई चीज़ शॉर्ट हो जाए, कोई चीज़ जल जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, बोर्ड में चेक करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको कंप्लीट सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, आधा काम अभी देख लिया, आधा काम बाद में देख लिया। मैंने आपको ए से लेकर जड़ तक जो भी हो सकता है ना, इसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। देखिए मल्टीमीटर को आपने बी पॉइंट पर सेट किया, बैटरी इसकी लगता है डाउन है, इसकी बैटरी डाउन होगी। दूसरा मल्टीमीटर देना, हमने मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट किया। बी पॉइंट पर सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। देखिए इसकी रीडिंग सही बता रही है, रीडिंग सही आ रही है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको बोर्ड में लगाते हैं, देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है आपका। और ऑन किया हमने, इसको लगा दिया, सारे पत्ते लगा दिए, बैटरी को लगा दिया। उसके बाद मैंने मोबाइल फ़ोन को ऑन किया, अभी आपका मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हुआ। फिर से लगाते हैं, हो सकता है ऑन आपका पत्ता सही से न लगा हो। चार्जर देना, चार्जर